हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अ ब्यूटीफुल पोएम फ्रॉम हॉर्नबिल द नेम ऑफ द पोएम इज चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नाइटन बिफोर प्रोसीडिंग नेक्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइटल ऑफ़ द चाइल्डहुड इसमें पोएम ने अपने चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस किया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है रीडर के लिए और पोएट ये पूछना चाहता है कि उसका बचपन कब चला गया एक्चुअली आजकल के लाइफ में ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा बचपन कब चला गया और कब हम एडल्टड में आ गए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर पोइट ये डिसाइड कर रहा है कोशिश कर रहा है कि कब उसका बचपन चला गया और कब वो बड़ा हो गया जो टेक्नोलॉजी का युग है उसमें बच्चों के अंदर जो एक इनोसेंट वाली भावना होनी चाहिए वो चीज़ गायब हो गई है और बच्चे बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं या अपने समस्याओं के प्रति गंभीर हो जाते हैं उनको अच्छा या बुरा इन चीज़, चीज़ों की पहचान हो जाती है तो आइए देखते हैं पोइट की फीलिंग क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में है वेन डिड माई चाइल्ड हुड गो वाज इट द डे आई सीज टू बी लेवन वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी एंड देयर फॉर कुड नॉट बी

वो सीरियसनेस नहीं थी और वो चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा था लेकिन जब 11 साल का एज क्रॉस किया तब उसे पता चला कि यहाँ पर समाज में ऐसी चीज़ें चल रही हैं अच्छाई बुराई या जो भी चीज़ें हैं तो पोर्ट को लगता है कि जब ग्यारह साल का एज क्रॉस किया तब उसको मान लिया जाए कि उसका बचपन चला गया वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी यहाँ पर पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों को अगर कोई भी बच्चों से बच्चों को अगर किसी भी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो पेरेंट्स या जो भी एल्डर होते हैं वो ये कहते हैं कि ये चीज़ आपको ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगी जैसे किसी मैप के बारे में या किसी कंटिनेंट के बारे में कोई भी चीज़ के बारे में अगर उनको जानकारी चाहिए तो ज्योग्राफी की बुक जो होती है वो एक अच्छा मटेरियल है एक अच्छा कंटेंट है जहाँ पर उन्हें कोई चीज़ मिल सकती है तो पोइट को एक दिन एहसास हुआ जब वो ग्यारह साल का एज क्रॉस किया कि हेल और हेवन जो स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज़ है वो हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे बुरा करोगे तो हेल में जाओगे लेकिन वो कहते रहे और बच्चे ने तलाश किया ज्योग्राफी बुक में या किसी भी बुक में तो उसे नहीं मिला तो उसे पता लगा कि जो हेल और हेवन है वो इमेजिनरी चीज़ें हैं वो उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसके पहले बच्चा जो था वो डरा हुआ था उसको लग रहा था कि ये हेल और हेवन जैसी कोई चीज़ होती है हमारे जो भी रिलीजियस बुक्स हैं उसमें भी बताया जाता है कि स्वर्ग चीज़ एक नर्क है नर्क में राक्षस होते हैं स्वर्ग में ईश्वर होते हैं लेकिन जब उसने किसी बुक में तलाश करना शुरू किया तो उसको ऐसा कुछ मिला नहीं तब उसे रियलाइज हुआ कि ये तो काल्पनिक चीज़ें हैं क्या उस डेट को मान लिया जाए या क्या उस एज को मान लिया जाए कि उसका बचपन चला गया जब उसको पता चला कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज़ नहीं है एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे मतलब स्वर्ग और नर्क को कहीं भी हम नहीं पा सकते तो क्या उसको माना जाए कि उसका बचपन चला गया सेकेंड पैराग्राफ में है वेन डिड माई चाइल्ड हुड गो वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट दिस सीम टू बी they talked of love and preached of love but did not act so lovingly was that the day second paragraph mein poet question kar raha hai ki jab use realize hua ek din usko realize hua uh, bachche ko कि जो हमारे बड़े लोग हैं जो elders हैं जो parents हैं वो क्या हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं were not all they seemed to be क्यों वो दिखने में तो बहुत ही सीरियस आ रहे हैं लेकिन उसके पीछे उनके बहुत ही ज़्यादा करतूत छिपा हुआ है उनकी बहुत सारी गलतियाँ बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जब बच्चा ये पकड़ने में कामयाब हो गया कि पेरेंट्स जो होते हैं वो गलतियाँ भी करते हैं और वो बच्चों को मिसगाइड करते हैं दे टॉक डॉप लव वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे से मिल रहो और झगड़ा ना करो टीचिंग करते हैं बट डिड नाट्स एक्ट सो लविंगली लेकिन खुद वो काम नहीं करते खुद कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं एल्डर्स कहते हैं कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन हम घर में ये देखते हैं कि वो जो सिर्फ उपदास जो उपदेश देते हैं वो सच्चाई से परे हैं पेरेंट्स जो उपदेश देते हैं वो सच्चाई कुछ और होता है यानी वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं तो ये एहसास बच्चे को जब हुआ तो उसको क्या मान लिया जाए कि उसका बचपन उसी वक्त चला गया कम टू द थर्ड पैराग्राफ वन डिड माई चाइल्ड हुड गो वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नाट दो पीपल बट माई ओन एंड माई एलोन वाज दैट द डे इसमें पोइट ने ये क्राइटेरिया बनाया है कि Uh, क्या उसको मान लिया जाए उस समय को मान लिया जाए कि उसका बचपन चला गया जब उसे एहसास हुआ कि वो किसी भी बात से प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि उसके अपने व्यूज़ हैं उसके अपने विचार हैं एक दिन बच्चा जो है वो बड़ा हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि उसको किस रास्ते जाना है आई फाउंड माई माइंड वॉज़ रियली माइंड इसके पहले वो पेरेंट्स या एल्डर्स की बातों को मानता रहा और पेरेंट्स ने कहा कि ये कर लो एल्डर्स ने कहा जो ब्रदर ने कहा कि ये कर लो तो फिर उसको हाँ में हाँ मिलाता रहा लेकिन एक दिन उसको एहसास हुआ कि उसके पास भी अपने विचार हैं टू यूज़ विच एवर वे आई चूज एक दिन बच्चे ने डिसाइड किया कि उसे क्या करना चाहिए लाइफ में उसका क्या ड्रीम है उसको क्या स्ट्रीम पढ़ना चाहिए उसको कौन सा हॉबी क्रिएट करना चाहिए उसका जो माइंड है डेवलप हो गया और वो अपने रास्ते बनाने लगा सही बुरे सही और जो खराब है बुरी चीज़ों का एहसास उसको हो गया प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नाट दो वो अपनी खुद विचारधारा बनाने लगा और किसी से फिर प्रभावित नहीं होने लगा एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसके भी अपने विचार हैं उसका भी सोच सोच है एक अपनी और वो जो एल्डर्स कहते हैं उसको वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है वो अपने इंटरेस्ट को बता सकता है तो क्या उस दिन को माना जाए या उस समय को माना जाए कि उसका बचपन चला गया और वो बड़ा हो गया लास्ट पैराग्राफ में है कि ये कंक्लूज़न है फिर फाइनली वो तलाश कर रहा है और उसको एक जगह मिल गई है जहाँ पर वो बचपन देख सकता है वेयर डिड माई चाइल्ड हुड गो इट वेंट टू सम फॉर गॉटन प्लेस वो कह रहे हैं कहाँ मेरा बचपन चला गया है ये कहीं खो गया है इट वेंट टू समार गॉटन प्लेस अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में उसने वेयर वर्ड का यूज़ किया है इसके पहले उसने बार बार वो कह रहा है कि वेंट डिड माई चाइल्ड हो मतलब मेरा बचपन कब चला गया कब चला गया अब ये कह रहा है कि कहाँ चला गया उसका बचपन कहाँ चला गया इट वेंट टू फॉरगॉटन प्लेस ये कहीं खो गया है उसका बचपन मिल नहीं रहा है दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट फेस फिर फाइनली उसको ये जगह एक मिल गई है जहाँ वो बचपन देख सकता है वो है इन्फेंट इनफेंट मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके चेहरे पर सिर्फ बचपना देखा जा सकता है और कहीं पर बचपना नहीं देखा जा सकता है पोर्ट के कहने का मतलब ये है कि आजकल के समय में जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं उनके अंदर जो एक इनोसेंसी होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देता है तो जैसे ही वो गायब होता है इनोसेंसी और वो सीरियस हो जाता है मेचोर हो जाता है तब वो लो कि उसका चाइल्डहुड चला गया तो जो चाइल्डहुड का जो पार्ट होता है जो एक फ्री ऑफ थॉट्स होता है जिसमें एक मूड में बच्चे खेलते हैं और उनको किसी चीज़ का भी एहसास नहीं होता है कोई सुपरस्टिशन दिमाग में नहीं होता है उसको सिर्फ खेलने से मस्ती करने से मतलब होता है वहीं तक वहीं तक एक व्यक्ति का बचपना रहता है लेकिन जैसे ही वो दुनियादारी सीख लेता है या इधर उधर की बातें जानने लगता है तो उसका बचपन चला जाता है तो आज के समय में जो चाइल्डहुड का जो एज है वो तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है और बच्चे एडल्टहुड में ज़्यादा जल्दी प्रवेश कर जा रहे हैं तो इस बात को लेकर के पोएट चिंतित है और वो अपनी समस्या इस पोए में बता रहा है अब हम देखेंगे कि इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं तो कहाँ कहाँ पे आए हैं लिटरेट डिवाइसेस कौन कौन से हैं अगर आप पहले पैराग्राफ को देखेंगे तो एक लिटरेट डिवाइस है वो है राइम स्कीम जो राइम स्कीम होता है ये भी एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है यानी जो पोयम की लाइन है वो किस राइम में होती है वो किस स्कीम में होता है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर चाइल्डहुड गो अगर हम इसको ए मान लें और इलेवन और हेवन इसमें एक जैसा है तो ये दोनों हो जाएगा बी इसके बाद से जोग्राफ़ी और नॉट बी इसका जो लास्ट वर्डिंग है वो एक जैसा है यानी ये सी सी हो जाएगा और फिर जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट है यानी ये डी हो जाएगा यानी राइम स्कीम हो जाएगा ए बी बी सी सी डी इस तरह से और ही पैराग्राफ जो दूसरे हैं उसमें भी आप राइम स्कीम इस तरह से चेक कर सकते हो इसके बाद हम देखेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा <coughs> तो ये एनाफोरा में क्या होता है एनाफोरा वो फिगर ऑफ स्पीच है जब दो या दो से अधिक लाइन में सेम वर्ड प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है दैट इज यहाँ पे देखिए दैट्स दैट्स दोनों लाइन में दैट्स दैट्स आया है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एनाफोरा है और ऊपर का जो पैराग्राफ है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एनाफोरा है कहाँ पर है यहाँ पर है वाज इट ये डबल है रिपीट हो रहा है सेम जो वर्डिंग होती है फ्रेज होते हैं जब दो लाइन में लगातार दो तो या दो से तीन लाइन में लगातार आता है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है इसके बाद से एक फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन uh, तो एलिट्रेशन क्या होता है जब भी कॉन्सनेट साउंड लेटर्स रिपीट होते हैं तो वहाँ पर एन ऑफ एलिट्रेशन होता है जैसे हेल एंड हेवन इसमें जो एच साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन है जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटी थीसिस तो जो एंटीथीसिस होता है वो क्या होता है अपोजिट वर्ड जब अपोजिट वर्ड आते हैं कुछ जो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो पास पास आते हैं तो वहाँ पर एंटी होता है तो सेम हम उसी लाइन में जाएंगे जहाँ पर एलिट्रेशन था हिल एंड हेवेन ये दोनों अपोजिट वर्ड है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंटी है तो इस तरह से पोएम कंप्लीट होता है